तो फाइनली मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट बिरयानी आ चुका है, और इसका जो प्राइस है, इसके एक के प्राइस में, वेट मैं बताता हूँ, इसके एक के प्राइस में ये तीन बिरयानी आया है। मुझे यहाँ पीछे से लेना है स्ट्रीट बिरयानी, और मेरे पास एक्चुअली क्या है कि कैश खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ अभी इस आई सी आई के एटीएम में आया हूँ। तो देखता हूँ, पहले कैश निकालता हूँ, देन जाके लेके, और मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग के हावड़ा में है, क्या है नाम उसका, पाक टेरेस है, वहाँ पर काफ़ी टॉप क्लास का बिरयानी मिलता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी बिरयानी है वहाँ का। तो मैंने वहाँ का ऑर्डर कर दिया है, अब यहाँ पर एक स्ट्रीट वाला बिरयानी ले लेता, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ का शॉट दिखाऊँगा आप लोगों को। देन पहले कैश निकालता हूँ, देन जाकर जो होता है मैं आप लोग अपडेट देता हूँ। ओके, निकल गया हूँ, अब फटाफट घर चलता है। देन मैंने जो पार्क टेरेस से जो बिरयानी ऑर्डर करा है, अब वो आता है घर में, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। ओके, जी मेरा यहाँ पे द पार्क टेरेस रेस्टोरेंट का बिरयानी आ चुका है, और अब देखते हैं फटाफट अनबॉक्स करके कि इस 240 रुपये के बिरयानी में और ओनली 70 रुपीज़ के बिरयानी में कितना फ़र्क है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को टेस्ट करके कि टेस्ट में कितना डिफरेंस है, क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो चलो फटाफट इसे टेस्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा स्ट्रीट बिरयानी, और इसमें है मेरा रेस्टोरेंट वाला बिरयानी जिसको मैंने द पार्क टेरेस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले मैं बाहर निकालता हूँ इस स्ट्रीट वाले बिरयानी को, और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो मुझे इसका प्राइस पड़ा 70 रुपीज़। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके स्टेट में स्ट्रीट बिरयानी कितने रुपए का मिलता है। और यहाँ पे मैंने 3 पैकेट टोटल ऑर्डर किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक और लास्ट, तो इन तीनों का मेरे को टोटल पड़ा 210 रुपीज़। तो अब बाहर निकालते हैं इस रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को। अगर मैं इस रेस्टोरेंट वाले बिरयानी की प्राइस की बात करूँ तो मुझे इसका पड़ा 240 रुपीज़, जिसको मैंने ऑर्डर किया है द पार्क टेरेस रेस्टोरेंट से। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ और इन तीनों के प्राइस को मिला दूँ तो इन तीनों का आ रहा है 210 रुपीज़, और सिर्फ सिंगल इसका हो रहा है 240 रुपीज़। तो कमाल का कंपैरिजन होने वाला है। तो मैं फटाफट इन दोनों को प्लेट में निकाल लेता हूँ, तो इससे आप लोगों को इसके क्वांटिटी का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस प्लेट में इस स्ट्रीट वाले बिरयानी को निकालता हूँ, तो ये खुल गया। हो बॉय, कितने दिनों बाद ये स्मेल मेरे नाकों में आया है, ये प्रॉपर स्ट्रीट बिरयानी का स्मेल। खैर, इसे मैं अभी निकालता हूँ बाहर, अब अनबॉक्स करता हूँ इस रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को। और एक बात बोलना पड़ेगा, खोलते ही मतलब एकदम फ्रेश घी का और शायद केसर का स्मेल आ रहा है। और ये देख लो, ये स्ट्रीट वाला बिरयानी और ये रेस्टोरेंट वाला बिरयानी। तो चलो अब इसे प्लेट में मैं निकालता हूँ, पहले फटाफट पहले मैं इसे बाहर निकाल लूँ। और देखकर तो लग रहा है कि ये स्ट्रीट वाले से इसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा बॉइल्ड एग भी दिख रहा है, स्ट्रीट वाले में कोई बॉइल्ड एग नहीं है। और ये इसका चिकन, तो मैंने दोनों ही प्लेट में बिरयानी निकाल लिया है, और ये है रेस्टोरेंट वाले बिरयानी का चिकन और ये आलू, और ये वाला है स्ट्रीट वाले बिरयानी का आलू और ये चिकन। वैसे रेस्टोरेंट वाले बिरयानी में एक्स्ट्रा एक वर्ल्डिंग मिलता है, और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो दोनों का मुझे सेम ही लग रहा है। चलो अब मैं फटाफट इसे टेस्ट करता हूँ। तो मैं जल्दी से इन दोनों बिरयानी को टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि इन दोनों का टेस्ट मुझे कैसा लगा। और सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा इस स्ट्रीट वाले बिरयानी को, उसके बाद इस रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को, और बताऊँगा कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। वैसे अगर क्वांटिटी की बात करोगे तो मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है स्ट्रीट वाले का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, पता नहीं, वेट से तो बहुत सेम ही लग रहा है, बट स्ट्रीट वाला मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है।
बट इसको पहले टेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा बहुत मेरा जगह का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है ना, तो मैं वो एक होता है ना एक फ्रेम जिसमें फूड भी दिखता है और मैं भी दिखूँ, वैसा सेटअप मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्द वैसा बनाने का, बट अभी इससे ही काम चला लो। ओके, तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रीट वाले बिरयानी को टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं इसके राइस को पहले टेस्ट करूँ। कितने दिनों बाद मेरे को ये बिरयानी का फ्लेवर मतलब मेरे मुंह में घुल रहा है एकदम। इसके आलू को टेस्ट करता हूँ मैं, जो कि कोलकाता के बिरयानी की शान है। आलू मतलब बिरयानी में आलू मतलब बिरयानी बिरयानी नहीं। काफ़ी स्वीट सा आलू है और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मतलब बिरयानी के साथ। वैसे तो बिरयानी के साथ आलू ठीक ही है। अब मैं इसके चिकन को टेस्ट करता हूँ। ये गया चिकन, तो चिकन का टेस्ट एवरेज सा है। वो मैं ये रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को टेस्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा कि कितना दोनों में मतलब डिफरेंस है। तो फटाफट अब मैं रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को भी टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंस है। और इस कुत्ते को भी अभी भोंकना है पता नहीं क्यों। तो मैं फटाफट इस रेस्टोरेंट वाले बिरयानी को टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं इसके राइस को टेस्ट करता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसके राइस में एकदम फ्रेश केसर का स्मेल आ रहा है, लिटरली केसर का स्मेल आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है काफ़ी फ्रेश स्मेल है यार इसका। वैसे मैं इसके आलू को टेस्ट करता हूँ पहले। बॉस आलू भी एकदम डिफरेंट लेवल का यार, मतलब इतना सॉफ्ट, इतना स्वीट, इतना टेम्पटिंग आलू मैंने अभी तक कभी नहीं खाया इससे पहले। मतलब काफ़ी फर्क है। मेरे को लग रहा था कि ये ज़्यादा यमी होगा स्ट्रीट वाला, बट नहीं यार, पैसा लिया है बट है एक्चुअली में टेस्टी। अब इसके चिकन को भी मैं फटाफट टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि इसका चिकन कैसा है। ओहो बॉय, मैंने एक बार किया चिकन, देखो हाथ में आ गया पूरा, मतलब ये बोन से है ना फटाफट निकल गया। इसका मतलब ये है अगर चिकन बोन से निकल जाता है ना फटाफट, मतलब समझना चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से कुक किया गया है। तो चिकन को खाता हूँ मैं। काफी जूसी सा चिकन है, कमाल का है बॉस। ओवरऑल मैं बता दूं कि ये जो 70 रुपीज और ये जो 240 रुपीज का बिरयानी है प्राइस में, तो इसमें मतलब यार जमीन आसमान का फर्क है, मतलब कहाँ 70 कहाँ 240। बट आपको 70 रुपीज का जो टेस्ट है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको ये टेस्ट नहीं दे पाएगा, बहुत हद तक इसमें वो टेस्ट है इसका। मतलब जो राइस है वो भी फ्रेश है, आलू भी इसका काफ़ी मतलब अच्छा सा लग रहा है, टेस्ट दे रहा है। और चिकन थोड़ा हार्ड है, चिकन में आपको मे भी लगता है स्ट्रीट वाले बिरयानी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ये बिरयानी तो बहुत सही कमाल का। बट ये भी मत भूलो कि इसके लिए आपको 240 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो बस यही था, मैं तो यार जब मेरा बजट वगैरह प्रॉब्लम रहता है तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये 70-80 रुपीज़ के बिरयानी को ही करता हूँ, क्योंकि 240 रुपीज़ का बिरयानी खाना मेरे को थोड़ा सा ये लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना कि आप 240 रुपीज़ का बिरयानी खाना चाहोगे कि नहीं। और एक्स्ट्रा में बस आपको ये एक अंडा मिलता है, तो एक अंडे के लिए 240 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़ से प्राइस को फ्लक्चुएट करवा के 240 तक लाना, बस वो भी एक एक के लिए, मेरे को नहीं लगता ये समझदारी का काम है। बट हाँ टेस्ट कमाल का है। लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग क्या प्रेफर करोगे, स्ट्रीट वाला बिरयानी या फिर ये रेस्टोरेंट वाला बिरयानी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो रेस्टोरेंट वाला तो यार है कमाल का, झूठ नहीं बोलूँगा, बट पैसे के लिए मैं ये स्ट्रीट वाले को ही चूज़ करूँगा। तो स्ट्रीट वाला बॉस, अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे भाई आप जब भी स्ट्रीट एंड रेस्टोरेंट वाला करते हो स्ट्रीट को ही अच्छा बोलते हो, तो बॉस मेरे वीडियो का मतलब ही यही है कि आपको स्ट्रीट में उससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है, तो आप क्यों इतना ज़्यादा पैसा फंसाओ।
तो बस जैसा हो कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा कैसा नहीं वीडियो, तो बस मैं वीडियो को ही एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, लगता हो कि इस वीडियो को शेयर करना है तो शेयर भी कर देना, और अभी तक मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं किया हो तो ये देख लो मेरा इंस्टा यूजर नेम, जाके मुझे यहाँ पे इंस्टा में फॉलो कर लो, और अभी तक इस छोटे से फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया हो तो ये देखो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, जाके यहाँ पे क्लिक कर लो, और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है ना उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसको नहीं दबाओगे तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक का है मेरा यहाँ भी हो, अब मैं जा रहा हूँ फटाफट पीने के लिए, क्योंकि बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, अगर आप बंगाल से हो तो समझ पाओगे।